सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे और मैं तो हूँ ही अच्छा। तो अभी बज रहे हैं सुबह के लगभग 10 और मैं जा रहा हूँ अभी खेत को, वहीं जा रहा हूँ जहाँ पिछले कल गए थे। और पापा चले गए हैं सुबह के, वो वापस आएंगे, मैं जाऊँगा। मैं और दादा, दादा आगे निकल गए हैं, बाकी मम्मी गई है आज छिवाड़, तो मुझे पता नहीं कि क्यों गए हैं वो। तो अगर पता होता तो शायद मैं भी चला जाता। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। तो देखिए मौसम, देखिए आज क्या कितना अच्छा है, चकाचक है। पिछले कल बारिश हुई थी और उधर पार देख सकते हैं आप, बादल निकल चुके हैं। तो जब भी इस तरफ से बादल निकलते हैं तो शाम के टाइम बारिश ज़रूर होती है, तो अक्सर हमने देखा है ऐसा। और व्यू देखो एक बार पीछे का यार, कितना मौसम आ रहा है देखिए। और दीदी अभी अंदर है, पता नहीं क्या करी अंदर। तो अभी चलता हूँ मैं क्योंकि टाइम हो गया है, पापा को भूख भी आई होगी, वो वापस आएंगे अभी खाना खाएंगे, तो वहीं जाके अब मिलते हैं। तो चलो चलता हूँ मैं और आपको एक बार मैं बैक कैमरे से यहाँ का व्यू दिखा देता हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो अभी खेत में पहुंच चुके हैं हम यहाँ, और यहाँ पर देख सकते हैं आप आलू भी बीजे हुए हैं साथ में, और इधर ऊपर सेब के पेड़ भी हैं, सेब लगे हुए हैं यहाँ पर। और यहाँ का क्या ही व्यू बोले यार दोस्तों, क्या ही औसम व्यू है यहाँ पर। तो यहाँ पर सारे काम एक साथ ही हो जाते हैं, बहुत सी यहाँ पर फसलें भी बीजी हुई हैं और सेब भी होते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर अरे कहना क्या चाहते हो, इधर भी देखने पड़ते हैं और काम भी हो जाते हैं, सभी काम एक साथ यहाँ पर हो जाते हैं। तो काम के साथ साथ बंदर भी देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ देखो किस तरह का पीछे है, ये सेब के पेड़ और यहाँ पर इन दो खेतों में नीचे ये, और ये आपको दिख रहा है दो खेत, तो इसमें आलू बीजे हुए हैं। यहाँ देखिए दोस्तों किस तरह के जंगलों के बीच खेत होते हैं, घर होते हैं पहाड़ों में। और ये है ठंडे पानी का नाल, यहाँ को बोला। जाता है क्योंकि यहाँ का पानी बहुत ही ठंडा होता है, और जब यहाँ पर स्नोफॉल होती है तो जब बर्फ़ यहाँ गिरी होती है और इधर उधर हर जगह बर्फ़ चली जाती है, लेकिन इस नाले में बर्फ़ नहीं जाती है क्योंकि यहाँ पर धूप ही नहीं लगती है। तो देखिए किस तरह से जंगलों के बीच में यहाँ पर हमारे खेत हैं। और यहाँ देखिए ऊपर टिप्पर गांव और नाग झाकड़ू जी का मंदिर ऊपर, ये टिप्पर गांव है ये वाला, ये है ये गांव, बहुत लंबा गांव है, ऊपर तक देख सकते हैं आप लास्ट घर यहाँ पर, और यहाँ से शुरू हो जाता है इस वाले घर से, ये यहाँ से लेकर ऊपर तक। और ये देखिए ये पार वाला जो आपको लास्ट ये दिख रही है, तो ये मंडी वाला है, मंडी वाला एरिया। और इधर एक पीछे इधर इस साइड को एक शिमला वाले भी दिखता है थोड़ा सा एरिया हमें यहाँ से, लेकिन यहाँ पर जंगल है तो उस वजह से नहीं दिख रहा है। सो ये है हमारे सेब के पेड़, जिसमें कि शायद मैक्सिमम पेड़ में फर्स्ट टाइम यहाँ पर सेब लगे हैं। इतनी खुशी मुझे। तो पहले भी लगे थे पिछले साल, बहुत कम सेब लगे थे, बहुत कम पेड़ों में लगे थे सेब, इस साल मैक्सिमम पेड़ों में सेब लगे हुए हैं देखिए। और ये बहुत छोटे छोटे हैं, ये बहुत छोटे छोटे हैं देखिए इस। तो इस वाले पेड़ में तो पिछले साल एक भी सेब नहीं लगा था, इस साल आप देख सकते हैं, क्योंकि इसका मुझे याद है इसकी मैंने एक टहनी तोड़ दी थी पिछले साल, तो तब जाके मुझे याद है कि इसमें एक भी सेब नहीं लगा था, लेकिन इस साल इसमें बहुत सेब लगे हुए हैं, लेकिन अभी बहुत छोटे छोटे हैं ये। तो अभी चलते हैं और कुछ काम कर लेते हैं पहले,
नहीं तो पापा वापस आ जाएंगे उतने में, तो अब काम कर लेते हैं। और बाद में फिर धूप भी पड़ जाती है तो उस वजह से फिर काम भी नहीं कर पाते हैं यहाँ पर। वैसे तो यहाँ पर ठंड होती है पहाड़ों में, ज़्यादा उतनी गर्मी नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी दिन को बहुत ज़्यादा गर्मी यहाँ पर हो जाती है। तो अभी पहले चलते हैं और काम कर लेते हैं जो काम हमें सौंपा गया है। तो दोस्तों अभी बज चुके हैं लगभग 12:30 और अब हम यहाँ से जा रहे हैं घर, क्योंकि अब धूप बहुत ज़्यादा पड़ गया है। लेकिन अब धूप तो क्या, देखो मौसम कैसा हो गया एकदम। मैंने सुबह ही कहा था कि आज बारिश आएगी शाम को, तो मौसम भी ख़राब हो गया है और अभी रेस्ट का टाइम हो गया है। तो अभी घर चलते हैं, यार पापा तो यहीं पर रुके हैं और 2 बजे अब वापस आना है। तब तक के लिए रेस्ट का टाइम लगभग 2.5 घंटे का। तो दोस्तों अब मैं वापस जा रहा हूँ खेत को, तो वहाँ पर पापा थे, तो पापा चले गए हैं सड़क में, पाइप पे आई हैं तो वो उतारनी है। और अभी यहाँ पर मौसम देखिए एकदम कैसा हो गया है, मतलब कि करवट बदल दिया मौसम ने, हल्की हल्की सी बूंदाबांदी यहाँ पर भी हो रही है। लेकिन आप पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत तेज़ बारिश हो रही है, और यहाँ पर भी अभी भयंकर वाली बारिश होने वाली है। तो ऐसे में भाई मैं जैकेट डाल के जा रहा हूँ घर में, फ़िलहाल यही वाला जैकेट है। तो क्या है कि पहाड़ों में ऐसा ही होता है कि थोड़ा सा मौसम बदल जाए तो एकदम से ठंड पड़ जाती है, तो जैकेट लगाना ऐसे में ज़रूरी है। तो अभी चलना पड़ेगा उधर, कहीं वहाँ पर बंदर आ गए तो सर्वनाश कर देंगे वो। तो बाकी वहाँ जाके दिखाता हूँ कुछ। दोस्तों अभी मैं यहाँ पर पहुँच चुका हूँ और यहाँ पर हल्की हल्की सी बूंदाबांदी हो रही है, और यहाँ पर पापा ने पहले से ही आग जला के रखी थी। भाई ऐसे मौसम में आग जलाना यहाँ पर बहुत ही ज़रूरी है। और वहाँ पर आप देख सकते हैं, वहाँ पर बहुत तेज़ बारिश हो रही है और यहाँ पर भी अब बहुत तेज़ बारिश होने वाली है जल्द। अभी हल्की हल्की सी बूंदाबांदी हो रही है। तो दोस्तों अभी भयंकर वाली बारिश यहाँ पर आ गई है, तो ऐसे में क्या है कि मेरी ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है, तो मैंने यहाँ पर देखिए कंबल ओढ़ लिए। तो यार यहाँ पर इतनी भयंकर बारिश हो रही है, तो ऐसी स्ट्रगल भरी लाइफ कुछ होती है पहाड़ों में। देखिए किस तरह से पीछे देखिए बारिश, देखिए किस तरह से भयंकर वाली बारिश हो रही है, और इधर से कहीं ऊपर से पानी भी लीकेज हो रहा है यहाँ पर। सो गाइस अभी मैं पहुंच चुका हूं घर में, और ख़तरनाक बारिश के बाद आप देख सकते हैं पीछे मौसम अब साफ हो रहा है धीरे धीरे, और पीछे देखिए पीछे का व्यू क्या मौसम ही आ रहा है। तो पार मेरी बैटरी फिर उधर मेरी बैटरी ख़त्म हो गई थी, तो वहां पर भी बहुत बुरे हाल हो गया, उसके अंदर फिर पानी घुस गया, फिर आग भी बुझ गई धीरे 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 करके, तो फिर बहुत दयनीय स्थिति हो गई थी मेरी। तो इस तरह का था कुछ आज का दिन, इस तरह का गया। तो आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो अच्छा लगा तो यार प्लीज़ लाइक करे, कमेंट करे और शेयर ज़रूर कर दे यार, एक शेयर कर दे, चाहे एक ही कर दे, व्हाट्सएप में करे, इंस्टाग्राम में करे, या फिर फेसबुक में कहीं भी कर दो, एक शेयर कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।